दिल्ली में हनुमान जयंती के मौके पर धार्मिक हिंसा भड़की थी। इस दौरान ये वीडियो दिल्ली का बताकर शेयर किया जाने लगा। साथ में ये दावा भी किया गया कि काजी के इस भड़काऊ भाषण के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए। ये भगवा साजिश है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और याद रखें, वो भगवा या हुकूमतें या साजिशकार भी गौर से सुन लें, मुसलमान अब जागने लगा है, जाग गया है। मुस्लिम सेवा संगठन ने ये चिंगारी फूंकी है, तो याद रखना ये इस तरह से शोला बन के सामने आएगी कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे। मुबलिंग और जो ये अत्याचार और ये जो रोजाना की जो है मौतें और लोगों को जो है तंग करना और परेशान करना, उसके खिलाफ मुसलमानों के पास भी नौजवान बच्चे हैं, मुसलमानों के पास भी जो है ताकतें हैं, मुसलमानों के पास भी हथियार हैं, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। मगर मुसलमान अमन पसंद है, मुसलमान इस मुल्क की तामीर चाहता है, मुसलमान इस मुल्क को तरक्की चाहता है, मुसलमान हिंदू मुसलमानों के भाईचारे को कायम करना चाहता है। अगर हम भी उसी की तरह आ जाए तो इस मुल्क में इनका जीना मुश्किल कर देंगे हम। कॉलमिस्ट दिव्य कुमार सौती ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली के काजी साहब पर हिंदुओं और यहूदियों को धमकाने पर क्या ही कार्रवाई की जाएगी। भाजपा दिल्ली के मीडिया हेड नवीन कुमार जिंदल ने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए इनकी गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाया। बीजेपी समर्थक अरुण पुदुर ने भी अरविंद केजरीवाल की सरकार पर निशाना साधा। इसके अलावा राइट विंग प्रोपेगेंडा वेबसाइट ऑफ इंडिया की एडिटर निर्वा मेहता और तारिक फतेह ने भी ये वीडियो शेयर किया। तो क्या वाकई में ये वीडियो दिल्ली का है और हाल की किसी घटना से जुड़ा हुआ है? YouTube पर सर्च करने पर ऑल्ट न्यूज को मुस्लिम सेवा संगठन देहरादून नाम के चैनल पर ये वीडियो मिला। इसे 4 जुलाई 2019 को अपलोड किया गया था। वीडियो के टाइटल में लिखा है मुफ्ती रईस का बयान। आगे सर्च करने पर ऑल्ट न्यूज को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मिली। खबरों के मुताबिक 17 जून 2019 को झारखंड में मुस्लिम युवक तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग के बाद मौत हो गई थी। इसके विरोध में मुस्लिम सेवा संगठन ने 27 जून को देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। वहां मुफ्ती रईस भी मौजूद थे। उन्होंने देहरादून कचहरी के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत की थी। इसके बाद भड़काऊ व आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज किया था। ऑल्ट न्यूज ने मुफ्ती रईस अहमद कासमी से भी बात की। उन्होंने बताया कि ये वीडियो 2 साल पुराना है और इसका हाल की किसी भी घटना से संबंध नहीं है। ऑल्ट न्यूज इस वीडियो की जांच पहले भी कर चुका है। फरवरी 2020 में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा सहित कई लोगों ने ये वीडियो CA विरोध प्रदर्शन के दौरान शेयर किया था।